विक्रमादित्य मार्ग पर मौजूद है और यहाँ निषाद पार्टी की देख रहे होंगे आप जन यहाँ पर पदयात्रा निकल रही है और हमारे साथ संजय निषाद जी मौजूद हैं। सर, किस चीज को लेकर के पदयात्रा निकाल रहे हैं? ये महाजन जागरण अभियान है। इसमें हमारा समाज जाने कि मैंने क्या लड़ाई लड़ी, पहली बार जाने कि अनुसूचित जात में हम सूचीबद्ध हैं, हमारा लोकसभा विधानसभा विधान परिषद सुरक्षित है और हम लोग जाने कि वो कैसे हमें मिलेगा। इस तरीके से हमने सारे आरक्षण की ये दो दो मंडलों का बहुत बड़ा बड़ा रैली करके उनको बताएंगे। अभी गोरखपुर और बस्ती मंडल का आज है और 21 को बनारस और आजमगढ़ मंडल का, 27 को इलाहाबाद और मिर्जापुर मंडल का, ऐसे सभी दो दो मंडलों का। आपने पिछले दिनों जाकर के सेंट्रल में भी मुलाकात करी थी, मोदी जी से भी करी थी, शाह जी से भी करी थी, क्या बात नहीं बन पाई आरक्षण को लेकर? नहीं नहीं, आरक्षण के लेकर बात बनी, तभी तो आज के दिन में जो है तभी तो लिखा गया कि RGI ने पहली बार लिखा। 70 सब तो फाइल वाइल गर्म कराते रहे पिछली सरकारें, हम तो धन्यवाद दूंगा योगी जी को कि पहली 70 साल में पहली बार है कि लिखवाया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं। सर, इन हाथों में तकिया है, योगी जी अपना वादा पूरा करो। भाई भारतीय जनता पार्टी ने मछुआ विजन अब कह रखी थी, हम आरक्षण, योगी जी जब सांसद थे तो सदन में बोलते रहे और हमारी लड़ाई लड़ते रहे। जब सपा ने गोली चलवाई थी और जब हमारे लोगों को जेल भेजवाई थी तो हमारे लोग आंदोलन पर वो बैठते थे, धरने पर बोलते थे कि हम ऐसे आज उनकी सरकार वो लोग हैं तो जल्दी से इसे पूरा करें। तो ये संजय निषाद जी थे जिनका कहना है कि जब सांसद थे योगी जी तब हमारे साथ वो बैठते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, हमारे साथ आंदोलन में रहते थे। हमने सेंट्रल में जा करके योगी जी वो मोदी जी से भी बात करी और शाह जी से भी बात करी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कुछ त्रुटियाँ रह गई हैं, उसको सुधार करके जो मछुआ समाज है उसको आरक्षण दिया जाए, ये हमारी अपील है। उसको लेकर के ये आज ये पदयात्रा निकाल रहे हैं विक्रमादित्य मार्ग से 1090 चौराहे तक। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।